हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंचल और आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन एंड वारंटीज। जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन में या तो हमें वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, या फिर हम कोई कंडीशन अटैच कर देते हैं। सच एज कंडीशन, कंडीशन का मतलब है हम किसी चीज़ के साथ, मुझे बाइक परचेज करनी है और मैं बाइक के साथ एक कंडीशन अटैच कर देती हूँ कि ये 150 प्लस इसकी स्पीड होनी चाहिए, 200 प्लस इसकी स्पीड होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन मेरी फुलफ़िल ना हो ऑन दैट टाइम, जैसे मैंने कहा कि 20 डेज में मुझे चाहिए 200 प्लस होनी चाहिए इसकी स्पीड, 20 डेज और 200 प्लस ये दोनों मेरी कंडीशन हो गई, मतलब 20 दिन के बाद, 21 दिन, 22 दिन मैं डिसाइड कर देती हूँ कि 22 दिन में मुझे चाहिए। तो अगर वो 22वें दिन मुझे डिलीवरी नहीं करता है उस कंडीशन में, हमने कंडीशन लगा दी कि 22 दिन के बाद मुझे डिलीवरी चाहिए, अगर वो डिलीवरी नहीं करता है हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं ऑन दैट बिहाफ। अगर मैंने कुछ एडवांस में पेमेंट की हुई है, मुझे वो तो मिले ही मिलेगी, साथ में अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो भी मिलेगा। इसका सेशन है अंडर सेशन 12 सबसेशन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सो गुड्स एक्ट 1913। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913, ये जितने भी हमारा कंडीशन और वारंटी के रिगार्डिंग स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू सेशन 12 सबसेशन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंडीशन इज स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब एसेंशियल, कंपल्सरी, मतलब कि जो ये है स्टिपुलेशन, मतलब कोलाग्रल, मतलब कि इकट्ठा करना, एसेंशियल। हर एक कंडीशन में इसका मतलब चेंज हो जाता है, हमारा यहाँ पे मीनिंग आएगा एसेंशियल, एसेंशियल है मतलब कंपल्सरी है कि इसको फुलफिल करना। एसेंशियल विच इज़ असर्टेन टू द मेन पर्पस, जो मेन पर्पस, मतलब कि कोई एक मेन पर्पस हमारा है उसके साथ अटैच हो, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के साथ अटैच हो। जैसे बाइक का है, बाइक की स्पीड, उसके मेन पर्पस क्या है, बाइक हमें चलाना है। कईयों के लिए स्पीड मैटर कर सकती है, कईयों के लिए इसका स्टाइल मैटर कर सकता है, ऑन दैट बिहाफ हमारे लिए स्पीड मैटर करती है और उस बिहाफ पे हमें इसको असर्टेन करना है, मतलब कि उस चीज़ को चलाना है। अगर हम तोड़ देते हैं कंडीशन को, अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। कंडीशन जब भी हम बात करते हैं, मतलब कि अगर मुझे 20 केजी की वीट चाहिए, 20 केजी वीट चाहिए 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, और वो मुझे 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग दे देता है, ऑन दैट बिहाफ कंडीशन हमने लगाई थी 100 रुपीज़ की, उसने वो बीच कर दी और उसने 80 रुपीज़ के दिए। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ ऑन दैट कंडीशन, ये वारंटी बन जाएगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, अब ये वारंटी है, जो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है 20 केजीज पे, वो मुझे रिफ़ंड कर देगा, अगर साथ में कोई इंटरेस्ट होगा वो मुझे दे देगा। अगर मैं 80 रुपीज़ वाले को रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ऑन दैट कंडीशन, उस टाइम पे कंडीशन अप्लाई होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, सारे पैसे भी हमें रिटर्न मिलेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। ऑन दैट बिहाफ कंडीशन वारंटी भी में कन्वर्ट हो सकती है, अगर जो एग्रीड पार्टी है, एग्रीड मतलब जो सामने वाली पार्टी है, पीड़ित जिसको हम कहते हैं, वो पार्टी अगर एग्री कर जाए उस चीज़ के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। नाउ कम्स अंडर वारंटी, वारंटी वारंटी है अंडर सेशन 12 सबसेशन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। वारंटी का क्या मतलब है, वारंटी मतलब कि अ स्टिपुलेशन विच इज़ कोलैटरल, मतलब सेकेंडरी है, मतलब मेन नहीं है, सेकेंडरी है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि कंडीशन जो है वो मेन पर्पस के लिए होती है और वारंटी हमारी सेकेंडरी, मतलब सेकंड ऑप्शन होता है। जैसे कि हम कोई प्रेस खरीद के लाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद के लाते हैं, उसके साथ वारंटी हमारी फ्री हो,
एंड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स अ राइट टू द एग्रीड पार्टी दैट स्यू ऑफ द पार्टी. मतलब कि इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, लेकिन वारंटी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता. हम केवल जो भी हमारे एक्सपेंस हुए या जो भी हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम स्यू कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि हमारा इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदा, ऑन दैट वी हैव कंपनी हमें वारंटी देती है, कभी भी गारंटी नहीं देती. गारंटी में हमें एक्सचेंज का ऑफर मिलता है, जबकि वारंटी में हम सिर्फ स्यू कर सकते हैं अपने जितनी भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं उसके लिए स्यू कर सकते हैं, या फिर उसको ठीक करवा के वो हमें रिटर्न देंगे. दैट इज़ वारंटी. कंडीशन हमारी, कंडीशन और वारंटी हमारे यही है. कंडीशन में हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वारंटी में हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, सिर्फ हम स्यू करते हैं. मतलब कि हम उससे जितने भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जितने भी हमने खुद एक्सपेंस किए उसके बारे में मांग सकते हैं, उन एक्सपेंसेस को मांग सकते हैं. नाउ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी. नेक्स्ट हमारा हेड आता है इसी में, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन. सबसे पहले एक्सप्रेस कंडीशन. एक्सप्रेस कंडीशन मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता क्या है? एक्सप्रेस होता है हम खुद बोल के बता दें. इम्प्लाइड जो जिसको हम बोले ना, हमारे पास हो, जिसका राइट हो, पहले ही राइट हो, दैट इज़ इम्प्लाइड. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन. एक्सप्रेस कंडीशन में हमारा आ जाता है जो हम बोल के या फिर कह के हम करते हैं, और इम्प्लाइड में जो बिना कहे आती है. जैसे कि इम्प्लाइड में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है एज टाइटल. मतलब कि हम एज अ टाइटल, जैसे टाइटन की वॉच है, इसके साथ इम्प्लाइड कंडीशन ही है कि हाँ अच्छी चलेगी, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन. सेकंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन. सेल बाय डिस्क्रिप्शन मतलब हमने डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमने सेल किया हो, मतलब हमने उसकी स्पेशलाइजेशन बता दिए कि हाँ ये स्पेशलाइजेशन है, इस अकॉर्डिंग होगा, आप देख लीजिए. जैसे एक गाय है, गाय 10 kg मिल्क देगी, पर डे देगी, डिस्क्रिप्शन है. अगर वो नहीं देती देन हमारे कंडीशन की कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, हमने डिस्क्रिप्शन से बेचा है उस चीज़ को. नेक्स्ट है सेल्स बाय सैंपल. सैंपल के अकॉर्डिंग बेचते हैं, मतलब कि जैसे वीट को हम बेचते हैं, वीट को हम हमेशा सैंपल के अकॉर्डिंग बेचते हैं, दैट इज़ सेल्स बाय सैंपल. सेल्स बाय फिटनेस और क्वालिटी, मतलब हम उसकी क्वालिटी के बेस पे बेचते हैं, जब हम मटेरियल को क्वालिटी बेस पे बेचें कि अच्छी क्वालिटी का है. जैसे राइस है, राइस को हम 80 kg, 100 kg, 120 kg, अगर हमने उसको कहा 100 kg का हम सेल कर रहे हैं लेकिन उसकी रियल वैल्यू 80 kg के इक्वल है, दैट इज़ रॉन्ग. हमारी कंडीशन बीच हो जाएगी उस टाइम में. नेक्स्ट है हमारा होलसमनेस, मतलब ईटेबल जो चीज़ें होती है वो हमारी एक टाइम लिमिट तक, 3 दिन 4 दिन, इतने ही दिन तक चलती है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम सेल करते हैं. एक हमारा पॉइंट आता है सेल करते हैं हम डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, मतलब कि हमने सैंपल भी दिखाया और उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई, उस अकॉर्डिंग जब हम सेल करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज वेल एज एक्सप्रेस कंडीशन. मतलब हम एक्सप्रेस भी कर देते हैं उस बात को बता के, और इम्प्लाइड उसके साथ वो अटैच भी होती हैं. एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है